Dedicated to you two. Balcony बहुत ही जबरदस्त लगने वाली है। जो इसकी आउटर है ना ये ऐसे ही लगे ऐसे ऐसे इतना काम करते करते फिर से शाम हो गई मम्मी ने क्या बनाया लुक चेंज हो गया। सबसे पहले आप लोग देखें हमारी ये बिफोर बालकनी जो कुछ इस तरीके की है, जिसमें मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैंने लगा के रखा है, पूरी मतलब कम्प्लीटली रॉ है ये। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेडर डेकोरेशन से। ये लेडर बाहर पड़ी हुई थी जो कि वेस्ट थी, तो इसे मैंने यूज़ में ले लिया एंड लेबर से मैं इसे अंदर रखवा रही हूँ और अब हम इसे अच्छी तरह से क्लीन करके पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पे प्राइमर लगा रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए थोड़ा मेहनत तो लगती है, बालकनी बहुत ही जबरदस्त लगने वाली है। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम दूसरी लेडर को पेंट करने जा रहे हैं। ये स्मॉल लेडर हम बनाएंगे, इसे भी हम पेंट करके रख देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लकड़ी मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसको हम ज्वाइन करके लेडर बना लेंगे। वुड पे जब भी पेंट करते हैं तो उससे पहले प्राइमर जरूर लगाते हैं। प्राइमर लगाने से क्या होता है कि पेंट कम एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हमने इस पे पहले प्राइमर लगा दिया है। अब हम इस पे पेंट करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लेडर को ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं क्योंकि सीलिंग वाइट है, तो इस पे और भी ज्यादा ये अट्रैक्टिव दिखेगी। ये जो इसकी आउटर है ना ये ऐसे ही लगेगी ऐसे ऐसे, तो इसकी जो बाहर के यहाँ पर हम प्लांट्स हैंगिंग के लिए सीलिंग में फ्रेमिंग करवा रहे हैं जिसमें हुक लग जाएंगे तो इजिली हम प्लांट्स को हैंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने लैडर की चेन भी इसी में ज्वाइन करवा लिया है जिससे कि टूटने और गिरने का डर ना रहे। ज्वाइन होने के बाद मैंने इनसे बोला कि आप इसे हैंग भी कर दीजिए, ऑब्वियसली क्योंकि ये हैवी है मुझसे हो नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने साथ ही साथ इसे हैंग भी करवा लिया। अभी हम निकल रहे हैं प्लांट्स लेने जो कि मेरे घर के बहुत ही नजदीक है। 3 स्नेक प्लांट निकाल दो और एक ये वाला निकाल दो और एक ये वाला निकाल दो, 3 निकाल दो स्पाइडर वाला भी। चलो गुम्मी हो गई सयान की है ना। मैक्सिमम मैंने जितने भी प्लांट्स लिए हैं इंडोर लिए हैं और ऐसे प्लांट लिए हैं जो बहुत ही ईजली लग जाता है, केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम सारे प्लांट्स को करने जा रहे हैं असेंबल। मिट्टी को मैंने एक दिन पहले ही लेबर से मंगवा के रख लिया था और इसमें मैंने 2 पैकेट कंपोस्ट मिक्स किया है। अब एक एक करके प्लांट को असेंबल कर लेंगे। जितने भी प्लांट्स प्लांटर में मैं लगा रही हूँ ये सारे प्लांटर मेरे DIY हैं और इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट डाल के रखी है, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप वहाँ से नहीं दे सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सो फाइनली हमने सारे प्लांट्स प्लांटर में लगा दिए हैं क्योंकि शाम हो गई है और असेंबल करते करते 3 से 4 घंटे लग गए हमें। अब इन सारे प्लांटर को हैंग करना है। वॉशिंग मशीन को मैंने बालकनी में रखा था लेकिन बारिश होने से ये ख़राब हो रही थी, तो इससे हम अब शिफ्ट करवा रहे हैं दूसरी जगह। ये मैंने बनाया है हैंगिंग DIY लैम्प, इसकी भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। एंड इसके साथ साथ हम लगा देते हैं ये स्टार मून वाली लाइट। चलिए इसके साथ साथ ये शो लाइट को भी हम लगवा लेते हैं सीलिंग के सेंटर में। लाइट्स का काम कंप्लीट हो गया है, अब हम सारे प्लांट्स को हैंग करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है ये प्लास्टिक वाली रोप। नाउ लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने 4 रोप्स को इक्वली कट कर लिया है एंड इसके टॉप और बॉटम में अच्छी तरह से नॉट लगा लिया है। तो इस तरह से हमने 6-7 बना लिए हैं, लेकिन हैंग करने से पहले हम प्लांटर को रख के एक एक करके चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह से नॉट लगा है कि नहीं।
अब वन बाय वन हम इसे हैंग करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि रात हो गई है, बाकी काम करेंगे कल। एक वीडियो बनाने चलो पूरा दिन लग जाता है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। बेटा तुम बैठो, अभी पानी लाना, अभी भी ये सेट हो जाएंगे ना। अब बाकी काम कल करेगी। चलिए, सारे प्लांट्स हैंग हो चुके हैं, अब आता है क्लीनिंग टाइम। तो हर एक जगह को हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद हम वॉश कर लेंगे। वॉलपेपर शीट है, इसको मैं लगाने वाली हूँ इस पे, क्योंकि ये जो टाइल्स लगी है जल्दबाजी में सिलेक्शन अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए हमने सोचा कि इस पे वॉलपेपर लगा देते हैं, तो इसका लुक चेंज हो जाएगा। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर के अगर आपको लेना हो तो बाय कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर्स हैं और देखते हैं कैसा लगता है लगने को। मेकओवर करने से पहले मैं सोच रही थी कि आउटडोर के पाइप को किस तरह से हाइड करें, देन मैंने सोचा कि इसको वाइट कलर से पेंट कर देते हैं, इसके ऊपर से क्रीपर लगा देंगे तो थोड़ा सा ये बेटर लगेगा। यहाँ पर लैडर के हम लेफ्ट और राइट साइड क्रीपर लगा रहे हैं। हाइट पे चढ़ के काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन डर के आगे जीत है। अब मैं लगाने जा रही हूँ ये हैंगिंग गार्लैंड। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट हमने पिंक कलर लिया। इतना काम करते करते फिर से शाम हो गई और हम थक गए बहुत ज़्यादा, बाकी काम हम कल करेंगे। सो फाइनली सीलिंग डेकोरेशन कंप्लीटेड, प्लांट सारे हैंग कर चुके हैं। अब करने जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये साइड वाली जो वॉल है, एक वॉल ये है और एक वॉल ये है, तो इस वॉल को हम करने जा रहे हैं कुछ डेकोरेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वॉल रैक, इसको हमने कारपेंटर से बनवाया था, और इस कैसे बनवाया था, वेस्ट प्लाईवुड से बनवाया था। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और इसको हम लगाने जा रहे हैं इस वॉल पे। जो हमने ग्रास मैट लोकल शॉप से बाय किया है, एक्चुअली ये जो चौड़ाई है ये है 4 फीट, और ये ग्रास जो हमने बाई किया है उसमें ये एक्स्ट्रा बची हुई थी, तो एक्स्ट्रा पैच है, इसको कट करके हम निकालने जा रहे हैं और इसको हम लगाएंगे वॉल पे। सबसे पहले हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देते हैं। हम लगाने जा रहे हैं 3D पैनल। अगर आप चाहते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए एक ब्रिक वाला पैटर्न लगाना चाहते हैं अपने वॉल पे, तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसे लगाना कैसे है ये आप जान लीजिए। आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर वाले पोर्शन को निकालना है। एक्चुअली ये दिखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, इसे लगाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि इसमें जो स्टिकनेस था बहुत ही हाई पावर का था। एक बार स्टिक करने के बाद जब दोबारा निकाल रहे थे कि सेट नहीं हुआ है, फिर से निकाल के ठीक कर लो, तो वो वेस्ट हो जा रहा था, अंदर का फॉर्म ही टाइल्स पे चिपक जा रहा था। थोड़ा मुश्किल हुई, वेस्ट भी हुआ, बट फाइनली लग गया। एंड ये जो आप देख रहे हैं गैप, इसे हमने वॉल पुट्टी से कवर कर दिया, और जब ये ड्राई हो गया तो इसमें येलो कलर, एक्रेलिक येलो कलर से पेंट कर दिया। ये 35 mm में आया है, ये ग्लास कितना है, ये लेना है।
तो इस ग्रास मैट को हमने 16 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ख़रीदा है। थोड़ा बार्गनिंग किया मैंने, ये 18 में दे रहे थे, मैंने इनसे कहा 16 में दीजिए, हमें इतना लेना है, तो ये मान गए। वो क्या है ना, आदत से मजबूर, हर एक लेडीज़ की आदत होती है बार्गनिंग करने की। अच्छा, मार्केट में कई तरीके की ग्रास मैट मिलती है, तो एक बहुत पहले हमने ये वाली ख़रीदा था, तो इसे हमने 15 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ख़रीदा था और ये हमें मिली है 16 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और रेट तो हमें बहुत ही सही मिल गया। तो अच्छी शॉप थी, भैया अच्छे थे, बढ़िया मिल गया, नहीं तो ये 18-19 में ही मार्केट में मिल रही है। तो चलिए अब ग्रास मैट लगाने का काम शुरू करते हैं। एंड आप देख सकते हैं मेरी जो बालकनी में टाइल्स लगी हुई है, बहुत ही घटिया ये टाइल्स मुझे लगती थी, और इसे डालने के बाद पूरा लुक ही चेंज हो गया। ये बैम्बू प्लांटर है, इसे भी मैंने बनाया है और इसे हैंग कर देते हैं ब्लोअर के नीचे। ये आप देख रहे हैं राउंड टेबल, जितने भी राउंड टेबल हैं ये सारे DIY हैं। सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वीडियो वहां से जा कर के देख सकते हैं, सबकी मैंने शॉर्ट वीडियो बना के रखी है। यहां पे मैंने 2 राउंड टेबल कर्टेन रॉड से बनाए हैं और 2 राउंड टेबल मैंने वेस्ट चेयर के लेग कट करके बनाया है। यहाँ पे मैंने लिया है प्लाईवुड, इसे व्हाइट कलर से पेंट कर लिया है। ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ प्लांट बार। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने वेराइटीज ऑफ प्लांट्स खरीदे हैं, सो मैंने इसका नाम रखा है ऑब्वियसली प्लांट बार। और इसके साइड में रख देते हैं ये वाइन ग्लास। अब मैं बना रही हूँ स्मॉल लेडर, तो इसे मैंने पहले ही पेंट करके रख दिया था और एक एक करके इसे अब ज्वाइन कर लेंगे, स्प्रे पेंट से इसे कलर कर देंगे एंड इसे रख देंगे इस कॉर्नर पे। अब इस रैक पे मैं रखने जा रही हूँ एक एक करके सारे DIY प्लांटर। क्योंकि यहाँ पर सारे DIYs नहीं दिखा सकते थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, सो इस लेडर पे मैंने लगा दिया है रेड लाइट। चलिए अब हम कर लेते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमने 2 मैट्रेस डाले हैं, इसके ऊपर वाइट बेडशीट डाल रहे हैं एंड ये है जीन्स जो ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा इसका कुछ बना लेते हैं। इसके टॉप और बॉटम एरिया को मैंने स्टिच कर दिया है और इसके जिप वाले एरिया से मैंने सारे फाइबर को इंसर्ट कर दिया है। और आपको देख के अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये मैं क्या बना रही हूँ, मैंने बनाया है कुशन। तो इस तरह के मैंने 2 कुशन रेडी कर लिए, एक हस्बैंड की जीन्स और एक मेरे बेटे की जीन्स थी, दोनों ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैंने इस तरह से कुशन रेडी कर लिया। ये मैंने बनाया है यूट्यूब का लोगो। टच नहीं, ये मम्मी ने क्या बनाया, वॉल पुट्टी से मैंने बनाया है यूट्यूब का लोगो, इसका वीडियो मैं बाद में डालूंगी। तो उसी वॉल पुट्टी से ही मैंने यहाँ पे बनाया है पेबल्स, इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया है, ड्राई होने के बाद इसे मैंने इस तरह से निकाल लिया है। एक्चुअली बड़े वाले पेपर्स ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली थे, तो सोचा मैंने क्यों ना वॉल पुट्टी से बना लिया जाए, तो जितना जुगाड़ हो सके उतना कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे मैं रख रही हूँ ये दूसरा प्लांटर जो कुछ इस तरीके का मैंने बनाया है सॉसर कप के शेप में, और इसके अंदर मैंने रख दिया ये प्लांट, अगेन DIY प्लांटर, इसे मैं रख रही हूँ सिटिंग एरिया के साइड में। ये पेबल्स हमने ऑनलाइन मंगवाया था, तो इसे हम ऊपर डाल देंगे इसके। इन सब में हम ये कलर वाले पेबल्स लगा देंगे। ये क्यूट लीगो हाउस मेरे बड़े बेटे ने बनाया है, तो इसे मैं रख रही हूँ लैडर के एक एक स्टेप पे। सो दिस इज माई लास्ट DIY डेडिकेटेड टू YouTube। एंड ये मेरा सबसे फेवरेट DIY है, इस पे मैंने लिखा है NHC नूरीज होम कॉर्नर। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फाइनल मेकओवर दिखाने से पहले बिफोर का आप वीडियो देख लें, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे फाइनल मेकओवर।